वैसे तो पार्टिसिपेंट uh, आईडी हमने वहाँ नहीं डाला लेकिन बेहतर है कि हम आईडी डालें जब हमारा डेटा सेट बहुत बड़ा हो और हमारे पास बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स हों तो हम पहला कॉलम हमेशा हर पार्टिसिपेंट को एक आईडिया असाइन कर देते हैं सो so, हमने ग्रुप्स डाले और हमने टेस्ट स्कोर्स डाले थे और फिर हमने सारे आगे वेरिएबल्स उनको आइडेंटिफाई किया था और उनकी लेबलिंग की थी वी ऑल्सो नीड टू प्रोवाइड कोड्स हमने दिए थे वैल्यूज़ जहाँ पर हमने वन दिया था स्विमर्स को और टू दिया था हमने सौखा uh, प्लेयर्स को और फिर हमने उसको ऐड किया और वैल्यू लेबल्स हमने दे दिए तीसरे नंबर पे फिर हमने क्या किया कि हमारे पास ये डेटा सेट आ गया जिसमें वन और टू है और टेस्ट स्कोर्स सारे के सारे एक ही कॉलम में आ गया और पार्टिसिपेंट आईडी हमारे पास आ गया उसके बाद हमने कोड एंटर कर दिया बिल्कुल वही जो हमने वन और टू का दिया हुआ है स्कोर्स हमारे पास आइडेंटिफाइड हो गए कि ये हमारे पास ग्रुप वन है और ये हमारे पास ग्रुप टू है सिमिलरली उसके बाद हमने एनालिसिस रन किए जिसके अंदर हम एनालाइज में गए हम कंपेयर मीन्स में गए और फिर हमने इंडिपेंडेंट साम टी टेस्ट को क्लिक किया जस्ट लाइक दिस और उसके बाद हमारे पास जो डायलॉग बॉक्स खुलता है वो इस तरह का खुलता है जिसमें हमने टेस्ट वेरिएबल के अंदर अपने टेस्ट स्कोर्स डाले याद रखें कि हमारे टी टेस्ट के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा इंटरवल स्केल के ऊपर कंटिन्यूस नुमारिक वेरिएबल होता है स्कोर्स होते हैं और उसके बाद ग्रुपिंग वेरिएबल हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और उसको हमने कैटेगोरिकल uh, होता है नॉमिनल लेवल का होता है उसके अंदर हमने ग्रुप्स को यहाँ पे सेंड किया और हमारे टेस्ट कोर्स को हमने टेस्ट वेरिएबल में सेंड किया और हमने उसके बाद ऑप्शनस में गए और ऑप्शनस को क्लिक जब हमने किया तो उसमें सॉरी uh, पहले हमने यहाँ डिफाइन ग्रुप्स किए क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रुप्स को एंटर कर देंगे वो काफ़ी नहीं होगा आपको दोबारा बताना पड़ेगा कि ग्रुप्स किन दोनों में आपने कंपेयर करना है ग्रुप वन कौन सा और ग्रुप टू कौन सा है क्योंकि हमने वन और टू को ऑलरेडी वैल्यूज असाइन कर दी हुई हैं सो so हम जस्ट वन और टू ही ऐड यहाँ पे करेंगे सो so जब आप ऑप्शन को क्लिक करते हैं तो फिर आपका ये वाला डायलॉग बॉक्स खुलता है इस डायलॉग बॉक्स में बाई डिफ़ॉल्ट नाइन्टी फाइव परसेंट इन ट्रवल दिए हुए हैं और मिसिंग वैल्यू के लिए आपके पास ऑप्शनज हैं दो लेकिन मिसिंग वैल्यू सेक्शन तब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम उसको एक्सक्लूड करें और देखें जब हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल एक से ज़्यादा हो सो फॉर रनिंग सिंपल इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट विद वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन डिपेंडेंट वेरिएबल आई थिंक इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट टू सी हियर सो यू कैन हिट कंटिन्यू बटन एंड देन हिट दिस ओके बटन वंस यू हिट द ओके बटन यू विल सी द आउटपुट फाइल्स और जो पहली आउटपुट फाइल आपके पास आएगी वो ग्रुप स्टेटिस्टिक्स आएगी जो हमने देखा है बिल्कुल और उसके अंदर हमारे पास डिस्क्रिप्टिवज होते हैं यानी ये ग्रुप्स हैं हमारे उन दोनों ग्रुप्स का हमारे पास एन साइज मीन साइज स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन और स्टैंडर्ड एरर दी हुई है और ये आपने ख़ुद से कैलकुलेट भी किए हुए हैं हमने खुद स्पेसिस में भी किए हैं एंड वी नो वॉट इज स्टैंडर्ड स्टैंडर्डिएशन वॉट इज स्टैंडर्ड एरर वॉट इज मीन एंड वट इज़ एन एंड अगली फिर जो टेबल हमारे पास आउटपुट में आएगी दैट इज़ इंडिपेंडेंट साम्पल टी टेस्ट जिसमें पहला जो हमारे दो कॉलम्स हैं

सिग्निफिकेंट uh, रिजल्ट नहीं है तो हम क्या करेंगे कि हम कहेंगे कि वी फेल टू रिजेक्ट नल आल हाइपोथिस ये भी uh, बिल्कुल मैंने आपको बता दिया हुआ है हमने कर भी लिया हुआ है दिस इज़ जस्ट फॉर योर रिकॉर्ड यू कैन रीड दम यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कौन सी वैल्यू हमने करनी है और किस तरह से उसको इंटरप्रेट करना है दिस इज़ द टी वैल्यू एक्चुअली और फॉर सिग्निफिकेंस हम कहते हैं कि ये पॉइंट जीरो फाइव से छोटी हो लेकिन इस केस में ये ग्रेटर है और फिर हम इसमें मीन डिफरेंस का कॉलम दिया होता है मीन डिफरेंस यानी ग्रुप वन और ग्रुप टू का मीन डिफरेंस कितना है और फिर स्टैंडर्ड एरर आपकी कैलकुलेट दी हुई और फिर हमारे पास ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है स्टैंडर्ड एरर ऑफ डिफरेंस इज द स्टैंडर्ड एरर इट ऑल्सो प्रेसपॉन्ड्स टू द डिनोमिनेटर ऑफ द टेस्ट दटिस्टिक्स आपको याद है कि जब हमने मैनुअली किया था तो हमने कहा था मीन वन माइनस मीन टू डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन वन माइनस मीन टू हमने मैनुअली कैलकुलेट किया हुआ है दिस इज द कैलकुलेट वैल्यू फॉर बोथ स्टैंडर्ड एरर एंड मीन डिफरेंस अच्छा एक कॉन्फिडेंस इंटरवल में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है वैसे तो हमारे पास ये वैल्यू हम डायरेक्टली देख सकते हैं कि इट शुड बी स्मॉलर देन पॉइंट ज़ीरो फाइव टू कंक्लूड के रिजल्ट्स आर सिग्निफिकेंट लेकिन एक तरीका सिग्निफिकेंस को देखने का ये भी है कि हमारे लोअर बाउंड और अपर बाउंड में आपको याद है कि हम इन्फ्रेंशल में क्या करते हैं कि हम बताते हैं जैसा आपने नॉर्मल कर्व हमने किया था नाइन्टी फाइव परसेंट वी आर श्योर कि हमारी पॉपुलेशन मीन जो है वो इसको अप्रोच एस्टिमेट हम सही साम्पल मीन से कर रहे हैं लेकिन हम उसमें मार्जिन ऑफ एरर या फाइव परसेंट रखते हैं और हम कहते हैं कि अगर वैल्यू हमारी इस रीजन में फॉल करेगी तो इसका मतलब है कि फिर हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देंगे सो so अगर हमारी कॉन्फिडेंस के लोअर और अपर बाउंड वैल्यू इट कंटेन जीरो तो इसका मतलब है कि रिजल्ट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट आप देखें ये माइनस पॉइंट टू है और अपर लिमिट सिक्स पॉइंट जीरो वन है इनके दरम्यान में इट कंटेन ज़ीरो अगर ये दोनों वैल्यूज़ नेगेटिव हों या दोनों वैल्यूज़ पॉजिटिव हों तो तब भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि रिज़ल्ट सिग्निफिकेंट हैं लेकिन व्हेन एवर द कॉन्फिडेंस इंटरवल विल इंक्लूड ज़ीरो पॉइंट इट मींस दैट रिजल्ट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट एंड इन दिस केस यस रिजल्ट आर नॉट सिग्निफिकेंट एक और तरीका जो हमने बात की थी कि जो सिग्निफिकेंस है दैट एक्चुअली ऑल्सो इज अफेक्टेड बाय द सैम्पल साइज़ अब देखिए इनमें डिफरेंस तो काफ़ी है 2.87 का है यानी उनके स्कोर्स हायर हैं स्विमर्स के एज़ कम्पेयर टू सॉकर प्लेयर्स लेकिन ड्यू टू तो स्मॉल सैंपल साइज हमारे सिग्निफिकेंस को हम अप्रोच नहीं कर रहे अगेन इफ यू रिमेंबर साम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हाउ स्मॉल साम्पल कैन अफेक्ट द एस्टिमेशन अबाउट द पॉपुलेशन यू कैन रिकॉल कि अगर सैम्पल साइज़ हम बड़ा करते जाएंगे तो हमारी एजम्पन फुलफ़िल हो जाती है नॉर्मेलिटी की और हमारे रिजल्ट जो हैं वो सिग्निफिकेंस को अप्रोच कर दे सो स्मॉल सैम्पल की वजह से भी ये रिजल्ट जो हैं वैल्यू पॉइंट जीरो सिक्स आ रही है अदरवाइज़ इट कुड हैव बीन सिग्निफिकेंट, अगर हमारा सैम्पल ट्वेंटी uh, हो जाता या थर्टी हो जाता तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट हो जाने थे